शकीर इम्तियाज, प्रेसिडेंट ऑल ट्रेडर्स ट्रांसपोर्ट ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, चेयरमैन जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक कॉन्फेडरेशन, और हमारे साथ बाकी सारे यहाँ के बाजार है, ऑल स्ट्रीट वेंडर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो हमारे साथ है। ये एक प्रोटेस्ट है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। हमने कोई रिजेंटमेंट आज नहीं किया, कुछ भी नहीं, कोई हंगामा नहीं हुआ यहाँ। हमने सबको बोला था कि एक आराम से एक प्रोटेस्ट होगा, एक प्रोटेस्ट हमें दर्ज करना है, भारत सरकार तक ये आवाज़ पहुंचानी है कि हम ऐसी कोई भी चीज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है यहाँ, हमने आज तक बहुत बर्दाश्त किया, अब नहीं होगा। ये लास्ट है, वार्निंग है, ये चेतावनी है कि ये लास्ट है। अगर आज के बाद किसी भी आपके किसी भी व्यक्ति ने किसी भी, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, कभी भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी गलत बात की, वो बर्दाश्त नहीं होगी, वो बर्दाश्त के बाहर होगी। आज भी हम कहते हैं, जितने भी लोग हैं, ये जितनों ने भी आज से उस दिन से आज तक इन 4 सालों में जितने भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, जब भी कभी किसी ने ये बयानबाजी की है, उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए, भरपूर सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे वो आप उनको PSA के अंडर बुक करें, UAVA के अंडर बुक करें, जो भी सख्त से सख्त सज़ा होगी, जो एक धार्मिक सज़ा होगी, क्योंकि उन्होंने एक धर्म पे हमला किया है, उन्होंने एक व्यक्ति पे नहीं, उन्होंने एक रिलीजियस पे हमला किया, उस रिलीजियस पे हमला किया है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वो रहमतुल आलमीन थे, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं थे। फ़र्क इतना है कि ये बदबخت लोग जो है, जो उनके बारे में गलत बयानी कर रहे हैं, वो एक बार आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अटेस्ट करें और ये समझे कि ये दीन है क्या।